हे गाइस, दिस इज उमर एंड वेलकम टू उमर्स टेक्निकल क्लास। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप वीडियो अपलोड करने के बाद उसे एडिट कैसे कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि हम जब यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं तो उसे अपलोड करने से पहले हम काफ़ी अच्छी तरीके से एडिट कर देते हैं। जिन जगहों से हमें ट्रिम करने की ज़रूरत होती है वहाँ से हम ट्रिम कर देते हैं, अपनी वीडियो पर अपना लोगो लगा देते हैं, नेम लगा देते हैं, या फिर जो भी आप करते हो ट्रांजिशंस वगैरह, कई सारी चीज़ें हम उसमें करते हैं, इंट्रो आउट्रो बहुत सारी चीज़ें। बट अगर आपसे कोई गलती हो गई हो एंड आपने वीडियो ना देखी हो, अपलोड कर दी हो यूट्यूब पर, एंड जब आप उसे यूट्यूब पर अपलोड करने के बाद देखोगे एंड फिर जब आपको कोई चीज़ गलत दिख गई उसमें, या फिर शुरू का पार्ट आपसे ट्रिम नहीं हो पाया, आप ट्रिम करना भूल गए, या लास्ट का पार्ट आप ट्रिम करना भूल गए, या फिर आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में शो हो गई है, तो उसे कैसे सही किया जाए, मतलब ब्लर कैसे किया जाए। कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अगर शो हो गई है या फिर कोई पार्ट पर्सनल आ गया है तो उसे ट्रिम कैसे किया जाए, मतलब सीधी बात है कि वीडियो अपलोड करने के बाद उसे एडिट कैसे किया जाए। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे कि आपको सारी प्रोसेस समझ में आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस, अब मैं आपको बताता हूं कि आप वीडियो अपलोड होने के बाद एडिट कैसे कर सकते हो। तो बेसिकली ये ऑप्शन लैपटॉप्स में काफ़ी आसानी से मिल जाता है, लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में। मैं अपनी सारी की सारी वीडियोस पीसी से एडिट करता हूँ, लैपटॉप से एडिट करता हूँ, एंड अपलोड भी लैपटॉप से ही करता हूँ। तो मुझे ये ऑप्शन मिला। फिर जब मैंने काफ़ी रिसर्चेस किए, जब मैंने काफ़ी दिमाग लगाया कि मोबाइल से ही ये चीज़ कर ली जाए, तो मोबाइल से भी आप ये चीज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास पीसी है, लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर है, तो ये चीज़ आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी, बहुत आसानी से। क्योंकि अगर आपके पास लैपटॉप या फिर कंप्यूटर है एंड आप उसमें से वीडियो अपलोड करते हो, तो आपके पास लैपटॉप और कंप्यूटर वाला YT स्टूडियो ऐप होगा। अब उस YT स्टूडियो ऐप में क्या होता है कि उसमें अपने एंड्रॉयड मोबाइल वाले YT स्टूडियो से बहुत ज़्यादा कई गुना फीचर्स होते हैं, तो वो YT स्टूडियो बहुत अच्छा होता है PC एंड लैपटॉप वाला। अब वो YT स्टूडियो ऐप इसमें तो हम डाउनलोड नहीं कर सकते, लेकिन स्टूडियो YT स्टूडियो की वेबसाइट से हम उस YT स्टूडियो ऐप को यूज़ कर सकते हैं। उसका मैंने एक डिटेल्ड रिव्यू बनाया है, तो स्क्रीन के ऊपर आ रही लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो एनीवेज, फटाफट से उस YT स्टूडियो ऐप को ओपन कर लेते हैं। तो बस आपको क्रोम पर जाना है, क्रोम पर जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है studio.youtube.com। जैसे ही आप इस वेबसाइट को सर्च करेंगे, एक नया YT स्टूडियो, नया तो नहीं है बट PC वाला YT स्टूडियो ओपन हो जाएगा। अगर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नहीं आता है, तो राइट साइड के अपर कॉर्नर पर क्लिक करके आपको डेस्कटॉप साइड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, इस वाले ऑप्शन पर, तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर है हमारी सारी की सारी वीडियोस। तो ये लास्ट वीडियो है जो मैंने कल अपलोड की थी, लैपटॉप में स्क्रीन कैसे रिकॉर्ड करें। तो यार प्लीज़ इस वीडियोस को जाकर देखिए, इस वीडियो को जाकर, इसमें मैंने साफ साफ बताया है कि लैपटॉप में स्क्रीन को कैसे रिकॉर्ड करें। तो आप इस वीडियो को देखिए, साथ में ये भी है इस खुफिया YT स्टूडियो ऐप के बारे में कोई नहीं जानता, यही वो रिव्यू है। जैसे कि मैंने बताया था, इस YT स्टूडियो ऐप के बारे में मैंने रिव्यू भी दिया है। इस खुफिया ऐप को अपने मोबाइल में रखने के बाद आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बना रहे हैं हम, एंड काफ़ी मेहनत लगती है गाइस वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ वीडियो को जाकर देखिए एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। जल्दी से जल्दी 100, 200, 1000, 10,000, 1 लाख, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स करवा दीजिए। तो एनीवेज, अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको वीडियो अपलोड करने के बाद कैसे एडिट करना है। तो अब लाइक मेरी ये वीडियो मैं ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको अपनी वीडियो पर क्लिक कर लेना है। वीडियो पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है वीडियो सबटाइटल्स, और लेफ्ट साइड में आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो आपको इस पेंसिल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पेंसिल आइकन पर क्लिक कर देंगे, वीडियो की सारी डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। अब यहाँ पर गए, इस वीडियो की सारी डिटेल्स ओपन हो गई हैं। आपकी वीडियो का टाइटल आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये चीज़ें तो हम नॉर्मल YT स्टूडियो ऐप में भी डाउनलोड कर सकते हैं, लाइक चेंज कर सकते हैं आपका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, और भी ऑप्शंस आपको इसमें मिल जाते हैं। थंबनेल भी हम चेंज कर सकते हैं यहीं से। बाकी आप एंड्रॉयड वाले YT स्टूडियो ऐप से भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। एंड स्क्रीन लगा सकते हैं, कार्ड्स लगा सकते हैं,
तो एनीवेज अभी यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये वाला। अब जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसका नाम है एडिटर, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद आपके सामने एक बहुत ही कमाल का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो ये है वो इंटरफेस, ये आ चुका है एडिटर। अब यहाँ से आप कुछ भी एडिट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मेरी वीडियो में कुछ गलती हो गई शुरू में, मान लीजिए मैंने शुरू में शूट की, किसी ने मुझे बुला लिया, अब किसी की आवाज़ आ गई उतने में, या फिर मैंने किसी से कुछ बोल दिया, या फिर कुछ भी मैंने कुछ रिएक्ट कर दिया, मेरी आंखें कहीं और चली गई शुरू में, या फिर मैं कोई चीज़ उठाने लगा एकदम से, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कट कर सकते हैं। यानी जो भी प्रॉब्लम है शुरू में, तो वहाँ यहाँ से आप कट कर सकते हैं। अगर आपके पास पीसी या लैपटॉप या फिर कंप्यूटर से बहुत ईजिली हो जाता है, मोबाइल से ये काफ़ी मुश्किल, काफ़ी दिक्कत होती है मोबाइल से करने में। जैसे कि आप ये लाइन देख सकते हो, ये है वो लाइन जिसको आप लगा सकते हो, इसको घुमाने में बड़ी मुश्किल लगती है, हम इसको इधर ले जाते हैं, ये इधर आ जाता है, फिर ऐसे करना पड़ता है, फिर ये यहाँ आ गई, तो इसको काफ़ी दिक्कत होती है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं ये चीज़ें। तो इस तरीके से आपने ये कर लिया, फिर आपको बस ट्रिम पर क्लिक कर देना है। तो मैंने यहाँ तक इसको कर लिया, तो आप देख सकते हैं कितनी दिक्कत आ रही है। तो एनीवेज थोड़ी बहुत दिक्कत का आपको सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपकी वीडियो करेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने ट्रिम कर दिया, अब ये ट्रिम हो गई, तो इतनी ही ट्रिम करनी है तो इतनी काफ़ी है, एंड इससे ज़्यादा करना है तो आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। यानी जितनी आपको करना हो उतनी आप इससे ट्रिम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने इतनी ट्रिम कर दी, इतनी वीडियो मैंने ट्रिम कर दी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो ब्लू लाइन है, इस पर जब हम क्लिक करके इसे इस तरह से घुमाएंगे, राइट साइड पे स्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ पर वीडियो ट्रिम होती जाएगी इस तरीके से। सो गाइस आप देख सकते हो, एंड जितनी भी आपको ट्रिम करना है आपने कर दी, उसके बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना है। तो एनीवेज यहाँ पर है सेव, सेव का ऑप्शन, एंड आपको जूम इन जूम आउट करके ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो बस सेव पर आपको क्लिक करना है, एंड ये सेव हो जाएगी, आपकी वीडियो ट्रिम हो जाएगी। अगर आपको अपनी वीडियो में कोई भी चीज़ ब्लर करना है, तो आप यहाँ से ब्लर भी कर सकते हैं। तो बस ऐड ब्लर पर आपको क्लिक कर देना है, फिर वहाँ पर ब्लर के ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ से आप अपनी वीडियो में कोई भी चीज़ ब्लर भी कर सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है, एंड आप बहुत कुछ इस स्टूडियो ऐप से कर सकते हैं, वीडियो को एडिट कर सकते हो, और भी कई चीज़ें। सो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वीडियो सबसे पहले देखने को मिल जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन अनदर वीडियो।